नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं करेले के फूलों के फायदों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, करेले का स्वाद थोड़ा सा कड़वा होता है, लेकिन यह कई स्वास्थ्यकारी गुणों से भरपूर होता है। करेले के सेवन से कई बीमारियों को दूर किया जा सकता है। करेला डायबिटीज से लेकर अस्थमा रोगियों के लिए फायदेमंद माना जाता है। लेकिन क्या कभी आपने करेले के फूलों के फायदों के बारे में सुना है? जी हाँ, करेला ही नहीं, इसका फूल भी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। करेले के फूलों का इस्तेमाल से कई तरह की परेशानियों को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे करेले के फूलों के कुछ अनोखे फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप अपने डेली रूटीन में इसे शामिल करके अपनी कई परेशानियों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं करेले के फूल के फायदों के बारे में। इम्यूनिटी बढ़ाने में असरदार। दोस्तों, करेला ही नहीं, इसका फूल भी इम्यूनिटी को बढ़ाने में असरदार होता है। करेले के फूलों में कई तरह के विटामिन और खनिज मौजूद होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देता है। साथ ही यह कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से भी हमारी रक्षा कर सकता है। करेले के फूलों का सेवन आप काढ़े के रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा कई लोग इसकी सब्जी या पकौड़ी बनाकर इसका सेवन करते हैं। पाचन शक्ति को बढ़ावा। दोस्तों, पाचन शक्ति को बढ़ावा देने में करेले का फूल फायदेमंद हो सकता है। इसके इस्तेमाल से आपकी भूख बढ़ती है। यह पेट में गर्मी पैदा करने वाली बीमारियों को दूर करता है। साथ ही आपकी पाचन शक्ति को मजबूत करने में आपकी मदद करता है। अगर आपको पेट से जुड़ी कोई परेशानी है, जैसे पेट में गैस, पेट में कीड़ा, खाने में कुपच इत्यादि, तो करेले के फूलों को थोड़ा सा कुचल कर इसका सेवन पानी के साथ करें। इससे आपकी पाचन शक्ति मजबूत होगी। स्किन रोगियों के लिए लाभकारी। दोस्तों, करेले के फूलों में एल्केलाइट नामक तत्व होता है, जो स्किन रोगियों के लिए लाभकारी है। अगर आपको स्किन से जुड़ी कोई परेशानी है, तो आप करेले के फूलों को पीसकर इसका लेप तैयार कर लें। इस लेप को अपने प्रभावित हिस्से पर लगाएं। इससे स्किन पर मौजूद संक्रमण से आपकी सुरक्षा होगी। अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे, फोड़े, फुंसी या फिर किसी अन्य तरह की परेशानी है, तो करेले के फूलों का लेप लगाएं। इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। डायबिटीज को करें कंट्रोल। दोस्तों, करेले का फूल डायबिटीज रोगियों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप डायबिटीज से पीड़ित हैं, तो करेले के फूलों को सुखाकर इसका पाउडर तैयार कर लें। अब इस पाउडर को सुबह और शाम खाली पेट गर्म पानी के साथ आधा आधा चम्मच लें। इससे आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो सकती है। साथ ही डायबिटीज में होने वाली कई अन्य समस्याएं भी दूर होगी। जोड़ों के दर्द से दिलाए राहत। दोस्तों, अर्थराइटिस रोगियों के लिए करेले का फूल काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। अगर आपको अर्थराइटिस की वजह से जोड़ों में दर्द या फिर सूजन हो रही है, तो करेले के फूलों को पीसकर इसका रस निकाल लें। अब इस रस को अपने प्रभावित हिस्से पर लगाएं। इससे आपको जोड़ों में दर्द से काफ़ी आराम मिल सकता है। वजन को करें कंट्रोल। दोस्तों, वजन को कंट्रोल करने में करेले का फूल आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके सेवन से आपका शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जिससे शरीर में मौजूद गंदगी बाहर निकल जाती है। करेले के फूलों का सेवन करने के लिए करेले के फूलों का रस लें। इसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिलाएं। अब इस रस को पी लें। इससे आपके शरीर की एक्स्ट्रा चर्बी कम होती है। मुंह के छाले को करें दूर। दोस्तों, करेले के फूलों का सेवन करने से मुंह के छालों की परेशानी से भी राहत मिल सकता है। इसके लिए एक गिलास पानी में एक चम्मच करेले के फूलों का रस मिलाएं। अब इस पानी से कुल्ला करें। इससे मुंह के छाले से आराम मिल सकता है। अस्थमा रोगियों के लिए है फायदेमंद। दोस्तों, करेले का फूल अस्थमा रोगियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसका सेवन करने के लिए एक कप गर्म पानी लें। इसमें एक चम्मच करेले के फूलों का रस
आधा चम्मच तुलसी का रस और शहद मिक्स करें। अब इस पानी को पिएं, इससे आपको अस्थमा में होने वाली परेशानियों से राहत मिल सकता है। करेले के फूलों का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि इसका सेवन अधिक मात्रा में न करें। अगर आपको कोई गंभीर समस्या है तो इसका सेवन करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।